मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है मानवता की सेवा करना, मेरा परम लक्ष्य राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगा। जय हिंद। तो भारतीय संविधान में अब तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे। भाग पाँच शुरू किया था, ठीक है, भाग पाँच को पूरा विधिवत क्लासेज होंगी और साथ में भौतिक विज्ञान भी चलेगा अब जो है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो संविधान में पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं जहाँ तक, तो उससे जो है अब तक की जो क्लासेज बंद थी तो उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुआ होगा, भूल गए होंगे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पढ़ाई बंद कर देने से बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं जो रेगुलरिटी बनी रहती है, तो पढ़ने का मन भी करता है। मजबूरी थी, बोर्ड परीक्षा थी, तो मजबूरी की वजह से बंद करना पड़ा था क्लास। लेकिन मैं तो जैसा कि बताया कि खाली टाइम में मेरा भी टाइम पास नहीं होता था, मतलब खाली टाइम ऐसा होता है कि मैं तो हर तरीके के जीवन जी चुका हूँ, एकदम नालायकी वाले जीवन भी जिया हूँ, नकारा वाला जीवन भी जिया हूँ, व्यस्त वाला मतलब क्रिएटिव वर्क भी किया हूँ, सब तरीके के जीवन जी चुका हूँ। लेकिन जो मज़ा आता है क्रिएशन करने में, जो वर्क करने में मज़ा आता है जीवन लाइफ में, वैसा खाली बैठने से बिल्कुल दिमाग में कभी कभी इतनी नेगेटिविटी आ जाती थी मेरे दिमाग में, मन करता था दुनिया वुनिया कुछ है नहीं। और जब काम करते रहो तो लगता है दुनिया बहुत मतलब जीवन हमारा कम पड़ जा रहा है, ये समय जो है 24 घंटे की बजाय 30 घंटे क्यों नहीं हो जाए कि 6 घंटे सो लें 24 घंटे काम कर लें, ऐसा लगता है। और जब कुछ ना करो तो 24 घंटा भी भारी पड़ जाता है कि समय जल्दी बीत नहीं रहा है। तो वही हुआ था बोर्ड परीक्षाओं के दौरान, क्योंकि किसी किसी दिन तो मतलब सुबह शाम दोनों टाइम व्यस्तता रहती थी, पेपर दोनों टाइम होता था, और किसी दिन पेपर ही नहीं, घर पे बैठे हुए हैं, तो बहुत बुरा गुजरा ये समय जो है। मैंने सोचा था नॉवेल पूरा कर लूँगा, लेकिन वो भी लिखना कुछ नहीं, एक अक्षर भी नहीं लिखा उसको भी। और जब पढ़ा रहा था तो कई कहानियाँ लिखी, सब कुछ लिखी, सब काम होते रहे, तो ये होता है। इसलिए व्यस्त रहना चाहिए हमेशा जीवन में, व्यस्त रहोगे तो ही सारे काम होंगे। जो सोचते हैं ना कि सिर्फ घर पे रह करके और अपना कोर्स ही पढ़ लेंगे, तो वो कोर्स भी नहीं पढ़ पाते हैं, और जो साथ में यहाँ पढ़ते रहेंगे वो कोर्स ही पढ़ लेंगे और ये भी पढ़ लेंगे, सारा काम हो जाएगा। क्योंकि मेरा अनुभव है स्वयं का। और जो टालते रहेंगे कि अभी तो फर्स्ट ईयर है, अभी बीए सेकंड ईयर है, तो वो फिर ऐसे बीत जाएगा और हाँ कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जब भी मौका मिले तो काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मैंने हर चीज़ का अनुभव किया है। और काम करते रहने से एक एनर्जी शरीर में आती है, ऊर्जा रहती है, जिससे शरीर से नकारात्मक विचार निकलते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और काम ना करोगे तो बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं कि जीवन कुछ नहीं, आ ये वो फलान ढिकान होता है, सबके साथ होता है। तो इसलिए काम करते रहना चाहिए। तो हम लोगों ने जो है संविधान में जो चीज़ें पढ़ी थी, जैसे हमने बताया था कि हमारा जो मूल संविधान है वो उसमें क्या कितने कितने भाग थे, हम लोग भाग के हिसाब से पढ़ रहे थे। तो हमने बताया कि भाग एक से लेकर के और भाग 22 तक जो है मूल संविधान में भाग थे ना, संख्या अभी भी नंबर लास्ट नंबर तो 22 ही है, लेकिन अगर इसको गिनोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और हर भाग में अनुच्छेद हैं, जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे, 395, लेकिन संविधान में संशोधन हो चुका है, 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं, 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं, लगभग 104 105 संशोधन लेटेस्ट हुआ है। तो इस तरीके से संविधान में संशोधन होने के बाद इनकी संख्या 460 से ऊपर ही हो चुकी है लगभग, ठीक है। और 460 से ऊपर संख्या हो जाने के बावजूद भी जो आखिरी अनुच्छेद है वो 395 ही है। मैंने बताया था अनुच्छेद जो बढ़ाए जाते हैं उनको उनमें क्या जोड़ दिया जाता है, ए बी, इस तरीके से संविधान में क्लॉज जोड़ दिया जाता है। जैसे 21A एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, शिक्षा का अधिकार, तो अब 21 तो था ही ऑलरेडी, लेकिन 21 के बाद ए जोड़ दिया गया, तो ये मतलब नंबर तो बढ़ गया लेकिन लिखा तो 21 ही है, तो जो लास्ट अनुच्छेद होगा वो 395 ही है, लेकिन संख्या बढ़ गई है। ऐसे ही भाग में संख्या 1 से 22 तक था मूल संविधान में, और संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है, 25, ठीक।
तो इस तरीके से जो है, हालांकि चार भाग जोड़े गए हैं तो 26 होना चाहिए, लेकिन एक भाग जो भाग सात है उसे क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, उसको निरसित कर दिया गया है, तो इसलिए संख्या में भाग कितने हैं, 25 हैं। और अनुसूचियों की बात करें, जो शेड्यूल है, अनुसूची है, वो मूल संविधान में कितने थे, 8 थे मूल संविधान में, हाँ, और अब जोड़ करके चार धीरे धीरे करके जोड़े गए हैं तो अब कितने हो गए हैं, 12। तो तीन चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भाग जो थे मूल संविधान में, अर्थात जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो भाग हमारे संविधान में 22 थे, ठीक है, और अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियाँ 8 थी, लेकिन धीरे धीरे संशोधन करके इनमें वृद्धि की गई तो भाग संख्या में 25 हो गए। नंबर अभी भी लास्ट 22 ही है, संख्या बढ़ करके जैसा कि मैंने बताया ABC जोड़ दिया गया है उसमें, और इसके अलावा अनुच्छेद जो है 450 से अधिक हो गए हैं, 450 से भी अधिक हो गए हैं, 460 कहीं मिलता है, कहीं 467 मिलता है, तो 450 से अब मान लो। तो इस तरीके से ये तो संविधान की कुछ चीज़ें थी। अब हम लोगों ने शुरू किया था पढ़ना भाग के हिसाब से, संविधान को भाग के हिसाब से पढ़ना किया था, शुरू किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि भाग एक क्या था, हाँ भारत जो है, हाँ भारत एक संघ है और उसके क्षेत्र के बारे में, तो भाग एक हम लोगों ने पढ़ा था कि संघ एवं इसके क्षेत्र, संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, संघ और इसके क्षेत्र, संघ अर्थात यहाँ पर यूनियन, संघ मतलब क्या कहा गया है, यूनियन के रूप में। तो ये भाग एक अनुच्छेद एक से लेकर के 4 तक था, अनुच्छेद एक से लेकर के 4 तक था, अनुच्छेद एक से लेकर 4 तक था, जिसमें अनुच्छेद एक क्या कहता है, भारत एक राज्यों का संघ है, और अनुच्छेद दो क्या कहता है, हाँ अनुच्छेद दो कहता है कि नए राज्यों का भारत में कैसे निर्माण होगा, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण तथा स्थापना, ठीक है। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया था सिक्किम, जो भारत का अंग नहीं है, वो भारत का अंग बनाना क्या कहलाता है, नए राज्यों का निर्माण। जैसे सिक्किम भारत का अंग नहीं था और वो भारत का हिस्सा बना तो वो नया राज्य भारत में शामिल हो गया, तो अनुच्छेद दो के अंतर्गत हुआ, ठीक, अनुच्छेद दो के अंतर्गत। और ये संविधानिक संशोधन 35वां और 36वां था। 35वें संशोधन में सिक्किम को जो है सहायक राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें में उसे पूरी तरीके से भारत का पूर्ण राज्य दर्जा दे दिया गया। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है, भारत में ही जो राज्य है उनका पुनर्गठन करना है, भारत के ही राज्यों का क्या करना, पुनर्गठन, तो राज्यों का पुनर्गठन ये जो है अनुच्छेद 3 में है। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है, हाँ अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन होगा वो साधारण बहुमत से होगा, अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन होगा संसद विधि द्वारा इसका संशोधन कर सकती है, अर्थात जो राज्य है नए राज्य बनाना या राज्यों का पुनर्गठन करना, जैसे उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांट दिया गया, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तो ये क्या हो गया, पुनर्गठन हो गया, ठीक। तो ये सारा काम किसी विशेष बहुमत से नहीं होगा, ये कैसे होगा, साधारण बहुमत से होगा, अर्थात जो है संसद विधि द्वारा इसमें संशोधन कर सकती है, जो कि अनुच्छेद 368 से बाहर होगा। अनुच्छेद 368 में जो है संवैधानिक संशोधन होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब 368 पढ़ेंगे, 368 में वो व्यवस्था की गई है जो संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर संवैधानिक संशोधन करना नहीं है, साधारण बहुमत से ही जो है इसका निर्माण हो जाएगा। तो ये है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम लोगों ने भाग 1 पढ़ा था। भाग 2 की अगर बात करें तो वो किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है भाग 2। भाई प्रश्न सीधे यहीं से ऐसे ही पूछा जाता है, तो इसलिए इसको रिवाइज करते रहना बहुत जरूरी है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, अब पूछ लेगा मिलान करने के लिए प्रश्न बहुत आता है यहाँ, भाग एक तरफ दे देगा भाग 1, 2, 3, 4, 5, दूसरी तरफ दे देगा राज्य और इसके क्षेत्र, नागरिकता, मूल कर्तव्य और जो है राज्य मतलब संघ, तो इस तरीके से दे देगा, तो फिर आपको मिलान करना रहेगा, तो आप मोटा मोटी ये सारा पता होना चाहिए, अर्थात भाग 2 में किसका प्रावधान किया गया है, नागरिकता, और ये अनुच्छेद भी पता होना चाहिए, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में किया गया है। तो अनुच्छेद 5 से 6 तक तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ना प्रश्न पूछे जाते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, 11वां जो अनुच्छेद ये क्या कहता है, संसद विधि द्वारा नागरिकता से संबंधित प्रावधान में संशोधन कर सकती है।
यानी उस समय तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी, उस समय बंटवारा हुआ तो कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तान के भारत आ गए, ठीक है, कुछ विदेशों में रह रहे थे जैसे हमारे क्रांतिकारी थे तो वो विदेश से भारत आए, तो उनसे संबंधित प्रावधान किया गया था कि ऐसे लोग इधर उधर जो हैं वो भारत में आ जाएं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी उस समय की परिस्थितियों में। तो ये सारा इसमें समेटा गया है अनुच्छेद 5 से लेकर के 9 तक। और अनुच्छेद 10 क्या कहता है, 11 क्या कहता है, अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद विधि द्वारा जब समय होगा उस समय नागरिकता से संबंधित संशोधन करके और उसके कानून बना सकता है। तो इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 11 के अंतर्गत ही संविधान वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लाया गया, ठीक। तो ये इसमें क्या व्यवस्था की गई 1955 में, इसमें जो है 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त होने की जो है व्यवस्था की गई। तो ये यहाँ से प्रश्न आता है महत्वपूर्ण, जैसे नंबर एक क्या है, जन्म से कोई नागरिक है तो हम लोग जन्म से ही हैं। और इसके अलावा वंश के आधार पे, रक्त या वंश के आधार पे, और इसके अलावा हाँ रजिस्ट्रेशन द्वारा, पंजीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा, अर्जित भूमि का देशीकरण, और इसके अलावा क्षेत्र पर कब्जा करने पर है क्षेत्र अर्जन, हाँ वही कब्जा, क्षेत्र अर्जन जैसे मान लो किसी विदेशी राज्य पर आक्रमण कर दिया और उस क्षेत्र को हमने अर्जित कर लिया तो वहाँ के सारे व्यक्ति भारतीय नागरिक हो जाएंगे, ठीक। और इसके अलावा कोई भारत में शामिल होना चाहता है देशीकरण द्वारा, जैसे सिक्किम शामिल हुआ था, ठीक, और पंजीकरण कराकर वंश और रक्त के आधार पर, जन्म के आधार। तो ये 5 ऐसे तरीके हैं जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 कहता है कि भारत का नागरिक कोई बन सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर 3 ऐसी बातें कही गई हैं कि भारत की नागरिकता खत्म भी हो सकती है, भारत की नागरिकता खत्म भी हो सकती हैं। 3 ऐसी बातें हैं, नंबर एक स्वेच्छा से, कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से नागरिकता खत्म करना चाहता है तो खत्म हो जाएगी उसकी स्वेच्छा से, मतलब कोई दूसरे देश में जाकर बस गया रहने के लिए तो वो अपनी नागरिकता त्याग सकता है, खत्म हो जाएगी। दूसरा है नागरिकता को जो है छीनी जा सकती है उससे, छीनने का मतलब कोई व्यक्ति है भारत में रह करके हाँ देशद्रोही का काम कर रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है तो उससे छीना जा सकता है नागरिकता, छीन करके खत्म की जा सकती है। और तीसरा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, वंचन द्वारा वंचित किया जा सकता है। वंचन में मतलब जैसे कोई व्यक्ति है भारत में कर नागरिकता है उसके पास और विदेश में रह गया और उसने सूचना नहीं दी, 7 साल तक बाहर ही रह रहा है, तो ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर भाग 2 हमने क्या पढ़ा था, नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित बातें थी। और अनुच्छेद 3 वो भाग 3 क्या कहता है, मूल अधिकार, भाग 3 है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। तो भाग 3 है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मूल अधिकार से प्रश्न बहुत आते हैं। तो ये है आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 13 में जो है मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक। तो मेन जो मूल अधिकार शुरू होता है 14 से शुरू होता है, ठीक। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में क्या है, समानता का अधिकार। अब मूल संविधान में जो अधिकार था, मूल अधिकार था, वो हमको कितने मिले हुए थे, 7। मूल संविधान, जहां मूल शब्द आ जाए तो मूल में कितने थे, 7 थे मूल संविधान में, ठीक, मूल संविधान में 7 थे। तो पहला क्या था, समानता का अधिकार, पहला क्या था, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, ठीक। और दूसरा क्या था, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता के अधिकार में स्वतंत्रता महत्वपूर्ण क्या है, 19, अनुच्छेद 19, जिसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी पहले, ठीक है, और अब कितनी रह गई हैं, 6 रह गई हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई हैं, पहले 7 थी। और संपत्ति का अधिकार इसमें भी था,
तो उसे हटा दिया गया है। ठीक, इसके अलावा अनुच्छेद 20, 21, 22 और उसमें 21 के अलावा एक 21 ए भी है, 21 ए भी है, तो वो भी स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जैसे शिक्षा का अधिकार। ठीक, तो ये जो है 19, 20, 21, 22 और एक 21 ए, यानी 5 स्वतंत्रता के अधिकार में कितने जो है अधिकार है, 5 प्रकार के अधिकार। और समानता के अधिकार में 14, 15, 16, 17, 18 ये भी 5 प्रकार के हैं समानता का अधिकार, जिसमें सब डिटेल में पढ़ाया है। जैसे 14 है विधि के समक्ष समानता, ठीक है। 15वां क्या है, 15वां है मूल और धर्म जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और 16 क्या है, अवसर की समानता, ठीक है। 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत। और 18 क्या है, उपाधियों का अंत, ठीक। तो ये सब डिटेल में पढ़ा है हम लोगों ने। और तीसरा क्या है, अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 इनमें क्या है, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। अब शोषण के विरुद्ध में 23 मैंने बताया था बलात्श्रम, 23 क्या है बलात्श्रम, और 24 क्या है बाल श्रम, 24 बाल श्रम, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण है। और चौथा क्या है, अनुच्छेद 25 से लेकर के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर शायद 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसमें भी पूरा मैंने डिटेल में पढ़ाया था। और पांचवा क्या है, अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 इसमें क्या है, संस्कृति, हाँ संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये मोस्टली अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार है, ये मोस्टली किससे है, अल्पसंख्यकों से। और छठवां क्या है जो खत्म कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। सातवां जो, छठवां जो था अनुच्छेद 31 में था, क्या था, संपत्ति का अधिकार, ये क्या था, संपत्ति का अधिकार, इसे जो है खत्म कर दिया गया है। तो ये खत्म हो गया है। तो अब जो सातवां है, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 है, संख्या में तो 6 ही बचे लेकिन नंबर में ये सातवां है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठवां जो कि खत्म कर दिया गया है संपत्ति का अधिकार। तो सातवां हमारा अनुच्छेद 32 है, और 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में जो है यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही हमारे अधिकारों को संरक्षित करता है, संरक्षण देता है। इसके विरुद्ध जो है हनन, संविधानों अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत हमको सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा संरक्षण प्रदान करता है, जो 5 प्रकार की रिट जारी कर गई, 5 प्रकार की रिट। लेकिन अनुच्छेद 226 भी है हाई कोर्ट के लिए, अनुच्छेद 226 से हमको मूल अधिकारों से संरक्षण मिलता है हाई कोर्ट में। 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ 32 मुख्य है और हम लोग 226 भी पढ़ चुके हैं। तो अनुच्छेद 32 यानी 14 से लेकर 32 तक तो हमारे संविधान में मूल अधिकारों के बारे में पूरी तरीके से जिक्र दिया। और अनुच्छेद 33 और 34 और 35, अब मैंने बताया 35 तक है, तो 33 और 34 जो है ये क्या है, मूल अधिकारों के अपवाद है, जो सेना सशस्त्र बल पे लागू होता है उनके अधिकारों को सीमित किया गया है। अनुच्छेद 33 और 34 के तहत उनके अधिकारों को सीमित किया गया है। और अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि संसद विधि बना करके जब समय लग हो तो इन अधिकारों में संशोधन कर सकता है, लेकिन मौलिक ढांचा नहीं प्रभावित होना चाहिए। तो इस तरीके से अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मूल अधिकार पढ़ा था। सब डिटेल में हमको लगता है 3-4 क्लास हुए थे, 3 क्लास कम से कम हुए थे, और यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ 5 मिनट में मूल अधिकार रिवाइज कर लिया। तो ऐसे जब पढ़ोगे ना, मैं तो बताता हूँ कि एक जब पूरा कोर्स हो जाएगा तो एक एक क्लास में एक एक सब्जेक्ट रिवाइज करा दूंगा, और परीक्षा में देने जाओगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी में से तो आएगा, इससे बाहर क्या आएगा। तो लेकिन पहले पूरा पढ़ तो लो सही से, और सही से पढ़ने के लिए भाई तुम्हारा साथ चाहिए, क्लास में होना चाहिए, क्लास ही बंक मारते हो तो क्या करना। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, DPSP जिसको कहते हैं, DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो भाग 4 में है, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है।
तो इसमें कुछ सारे अनुच्छेदों ने पढ़ाए थे, 36 से लेकर 51 तक सब पढ़ाए थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको जो है आप रिवाइज कर लेना। जैसे अनुच्छेद 44 कहा गया है समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता हमने बताया भी था कि इसमें नंबर समान है, 4-4 नंबर समान है, तो ये क्या हो गया, समान नागरिक संहिता हो गया, तो ऐसे याद रखना है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हम यहाँ रिवाइज नहीं करा रहे हैं, जब मौका होगा तब कराएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखो राज के नियत निषेध तत्व भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और राज के नियत निषेध तत्व का मतलब क्या होता है कि राज्य जो है अपने यहाँ के नागरिकों के लिए अधिकतम कल्याण हो सके, उनका राजनीतिक और आर्थिक जो है उन्नयन हो सके, इसलिए राज्य कुछ ऐसे कार्य करेगा जिससे उसके नागरिकों का अधिक से अधिक क्या हो, कल्याण हो। तो वो राज्य के नीति निदेशक, बल्कि नीति निदेशक संविधान में राज्यों को जो है अपने यहाँ शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए पूरी तरीके से एक क्या है, एक डिक्शनरी है, डायरेक्टरी है, जिसके माध्यम से राज्य जो होते हैं, अब वो राज्य मैंने बताया था राज्य की परिभाषा में कई आते हैं, सिर्फ इन राज्यों की बात ना करो, उत्तर प्रदेश बिहार इनकी राज्य की परिभाषा हमने अच्छी तरीके से बताई थी, जो अनुच्छेद 12 में है, अनुच्छेद 12 में है, जो यहाँ भी लागू होता है और मूल अधिकार में भी लागू होता है उसकी परिभाषा, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य जो है अपने नागरिकों के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा, ऐसा नियम कानून बनाएगा जिससे अधिकतम कल्याण हो सके और राजनीतिक और आर्थिक उन्नति हो सके व्यक्तियों का, ठीक। तो वो हमारी बात किसमें की गई है, राज्य के निदेशक तत्व। और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जो है ये सिद्धांत जो है कैसा है, आदर्शवादी सिद्धांत है, जो कभी धरातल पे लागू पूरी तरीके से नहीं हो सकता है। जैसे गांधीवादी विचारधारा से पोषक है ये कुछ सिद्धांत ऐसे हैं कि ग्राम स्वराज आ जाना चाहिए, गाँव में रामराज आ जाना चाहिए, आ सकता है क्या, तो ये आदर्श बात हो गई, हकीकत नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ये संविधान का आदर्शवादी तत्व है, आदर्शवादी पहलू है, और ये फोर्सेबल भी नहीं है। मैंने बताया था कि इसके लिए अगर मान लो राज्य के लिए निर्देश दिया गया है कि सबको नौकरी मिलनी चाहिए और नहीं मिल पा रही है, तो तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो राज्य के खिलाफ कि राज्य हमको नौकरी दे, गारंटेड नहीं है, तो इसलिए कोर्ट में जो है आप इसके खिलाफ जा भी नहीं सकते हो। लेकिन मूल अधिकार का हनन होता है तो आप उसमें कोर्ट में जा सकते हो, वाद योग्य है। तो ये राज्य के नियत निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, और मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य है, ये भी पढ़ा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमने भाग 4 में पढ़े। अब भाग 4 एक और है, भाग 4 का है, भाग 4 का है, या भाग 4 ए भी कहते हैं इसको, ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, जब कुछ अगर मान लो ए बगल में लिख दिया गया तो माना जाता है नया जोड़ा गया समय अनुच्छेद है, और अगर स्मॉल लेटर में या ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया तो वो क्या होते हैं, मूल ही होते हैं, वो संविधान के मुख्य भाग ही होते हैं, जो हेडिंग होते हैं उसके सब हेडिंग होते हैं, मुख्य हेडिंग के उप क्लॉज होते हैं सब हेडिंग। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो है भाग 4 का एक जोड़ा गया है जिसको क्या कहा गया है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। अर्थात अब प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है और परीक्षा में भी पूछा जाता है, क्या मूल कर्तव्य संविधान में था, मूल संविधान में था, नहीं था। तो यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, क्योंकि इसे जोड़ा गया है, इसे जोड़ा गया है। एक स्वर्ण सिंह समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसको जोड़ा गया है, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर भाग 4 का को मूल संविधान में जोड़ दिया गया है, और ये मूल कर्तव्य के रूप में, और इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का या ए, अनुच्छेद 51 ए। तो मूल कर्तव्य कहाँ पर है, अनुच्छेद 51 ए में है, अनुच्छेद 51 ए में है क्या, मूल कर्तव्य, ठीक। अब मूल कर्तव्य जो है जब अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया था तो कितने थे, 10, कितने थे, 10 थे, लेकिन बाद में एक और जोड़ दिया गया है, 11 हो गए। अब कितने अनुच्छेद हैं, मतलब कितने अनुच्छेद, तो एक ही है 51 का, लेकिन इसके कितने मतलब कर्तव्य हैं, तो 11 कर्तव्य हैं, पहले कितने थे, 10 थे, अब 11 हैं, और ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां जोड़ा गया है, 86वें संशोधन द्वारा 2002 में, जिसमें शिक्षा वाला अधिकार जोड़ा गया था ना, तो वहाँ पर दो जगह संविधान में जोड़ा गया, एक तो शिक्षा का अधिकार जो 21 का में जोड़ा गया, और यहाँ पर 11 नंबर पर जोड़ा गया, बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने अधिकारों को समझते नहीं हैं,
तो गार्जियन को कहा गया तुम्हारा ये मूल कर्तव्य है कि तुम अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजो, तो उनका कर्तव्य है। तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो मूल कर्तव्य हमारे 11 है। ठीक, तो इस तरीके से ये मूल कर्तव्य हुआ और हम लोग अनुच्छेद वो भाग 5 शुरू किए थे पढ़ना। भाग 5 में क्या है, संघ के बारे में। नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं, भाग 5 में जो है क्या व्यवस्था की गई है कि संघ के बारे में। भाग 5 अब यहां से मैंने बताया था, भाग 5 से शुरू हो जाता है प्योर जो है राजनीति। हाँ, प्योर राजनीति शुरू हो जाता है कहां से, भाग 5 से। यहां पे अब राजनीति पूरा हम लोग पढ़ते हैं संघ के बारे में कि संघ में जो है वो मतलब क्या व्यवस्था की गई है, उसके शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था की गई है। तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था यहाँ पर एक कार्यपालिका होगी संघ की, क्या होगी, कार्यपालिका होगी। ठीक, और एक विधायिका होगी। ठीक, विधायिका होगी और एक क्या होगी, न्यायपालिका होगी। ठीक, न्यायपालिका होगी और एक सीएजी होगी, ये क्या होगा, कैग होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये 4 चीजों को हम लोग संविधान के भाग 5 में पढ़ेंगे और ये बहुत बड़ा पोर्शन है। अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और 151 तक जाता है। अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और 151। कार्यपालिका में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ ली थी, जैसे राष्ट्रपति पढ़ लिया था। ठीक, राष्ट्रपति के बारे में पूरी व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ ली थी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक, तो पूरा पढ़ लिया था और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया था, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लिया था। हाँ, और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ लिया था, ये सब मंत्रिपरिषद के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक, अब जो रह गया था महान्यायवादी रह गया था, क्या रह गया था, महान्यायवादी। तो हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे महान्यायवादी से, फिर इसके बाद में विधायिका पढ़ेंगे, फिर न्यायपालिका पढ़ेंगे, फिर सीएजी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अनुच्छेद 151 तक पूरा, 52 से लेकर के 51 तक भाग 5 संघ में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महान्यायवादी के बारे में।